मालूम है, बांध गारंटी के अंदर हमीरपुर में लगभग हमारी हुकूमत आने के बाद बांध गारंटी का जो है ना 50 से 60 करोड़ रुपए होता, उसके अंदर 60 करोड़ के अंदर हमारे आदमी को कम अज कम 12,000 से 13,000 करोड़ महीना हमारे आदमी को पहुंच रहा पैदा कहता हमारे आदमी को पहुंच रहा। मेहरबानी करको आज जो कुछ है मैं कभी ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था, सियासत के अंदर मुझे ये मुकाम मिलता, मैं यत्ता तुम्हारा चाहता मिलता को मेरे हिसाब से कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर सियासी लीडर को कोई सी चाहत नहीं मिली जो जमीर अहमद खान को मिल गए। वजह उसकी क्या है, तुमने काम की एक जगह तुम्हें लोगों जो उम्मीद क्या की एक जगह तुम्हें क्या है, जमीर अहमद खान हमारे कौम के वास्ते कुछ करता अगर को तुम्हें उम्मीद रखी है। आज तुमने वादा करते हुए जब तक मैं सियासत के अंदर हूँ तुम्हें लोग सिर उठा को चलना इंशाल्लाह सिर झुकाने का काम नहीं करता, ये उम्मीद रखते हुए नौजवान से आज ही जरा आखिरी में लास्ट गुजारिश गौर से सुनना, जनता दलों ले क्या कर रही है, जैसा सुरेश सब बोले मुसलमान बाहर निकले तो वोट जनता दल को देना मुश्किल है, ठीक है तो हमें बीजेपी के साथ चलेगी, उनको पैसे देखो घर में बिठा देंगे, नहीं तो लिंग डाल देंगे अगर को उन्होंने जनता जल्द करीमा अब कितने मार देंगे उन्होंने 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 उसके ऊपर तो देता नहीं, तुमने कभी तकलीफ में उन्हें साथ दिया नहीं, कब तक दिया कि माँ 5,000 देती तुम्हें लियो क्या करने का करो, और वो 5,000 मिल गए तो भी हमने अचल अभी 5,000 दे दिली हमें क्या तो एक धंधा छोटा मोटा करी करती क्या करती जैसा 5,000 मिलता है 2 किलो पाया ले लेकर कर दो पाया बनाती दोपहर क्या करती सुबह को पाया खाया बा अब 1-2 किलो गोश्त लगा कर बिरयानी खाको कलीजी बोटी खाको 2 दिन में खाली करती है कि नहीं बात है कि नहीं। मगर मैं बोलता हूँ उन्हें क्या भी तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा, वैसे आदमी को धोखा दिया तो क्या नहीं उनके पैसे लियो वोट कांग्रेस को डालो, क्या बोला पैसे उनके वोट किसे कांग्रेस को, और अफवाह फैला रही जनता दल में उन्हें योगेश्वर बीजेपी में था बीजेपी से आया कांग्रेस को योगेश्वर जो है पक्का प्योर कांग्रेसी जन क्या की नाराजगी से क्या कर रहा था बीजेपी बीएसपी को गया था इंडिपेंडेंट भी ठहरा था बीजेपी को भी जाने चलेगा था वापस घर वापसी उसके घर को आगा सुने घर वापसी उसके घर को आगा सो उसे नहीं माँ वो सब छोड़ दो माँ सिद्धरामैया तुम्हारे साथ है डीके शिव कुमार तुम्हारे साथ है जमीर अहमद खान तुम्हारे साथ है डीके सुरेश तुम्हारे साथ है रहीम खान तुम्हारे साथ है हमारा यकबाल हुसैन बाजूद का ही शेर देखो क्यों हंस रहा हमें सब ही थी मैं इधर आने ले मैं आने लेट हुआ तो भी तुमना लोगों को आ ची तो हमारा भाई टंकर आ जाता कौन है यकबाल हुसैन उसके वास्ते अल्लाह के वास्ते मेरी यकबाल था लगातार उनकी तबीयत नासार है तबीयत खराब होने की वजह से मुझे सुनको बेजार हुआ तबीयत नासार होने की वजह से भी आराम नहीं फरमा रहा भाई कई को उसे मालूम यहाँ चनपटना के अंदर जीत लिया तो उन्हें जीत ले तो क्या होता अगर को मैं बोले ना सियासत के चंद बाता हमें बता नहीं सकते चंद बाता अकलमंद को इशारा काफी यकबाल दा को हकीकत मालूम है सुरेश अन्ना को हकीकत मालूम है क्या बोलो यहाँ कम से कम होता अगर को तबीयत नासार होने से भी मेरा भाई दिन रात 20 घंटे काम कर रहा है यकबाल दा 20 घंटे 2-2 बजे 3-3 बजे चला कई के वास्ते मालूम है आने वाले दिन के अंदर हमारे अज्ञान जरा क्या तो भी गलती कर ले तो हमें उसकी ये तकलीफ भुगतना पड़ता बाद में अल्लाह के पास जाको मैं हशर के मैदान में तुझे मैं सियासत के अंदर एक मौका दिया था तुझे मैं एमएलए बनाया था तू क्या करता करको हशर के मैदान में पकड़ होती करको मेरा भाई 20 दिन से लगातार काम करने को जाना ये सब ख्याल में रखते हुए नौजवानों से आज ही जरा गुजारिश आज के बाद उन्होंने पैसे दिए तो लेना काम किसे करना बोलो और पूरा वादा करना तमाम आज के बाद एक होगा सीरियल नंबर क्या बोलो हटाओ पूरे।